50,000 से अधिक शिक्षकों के फॉर्म आने की उम्मीद, अभी तक नहीं आए हैं 28,000 आवेदन। एयरफोर्स के फॉर्म में लापरवाही या तकनीकी खामी, वहाँ लिखा राहुल का बेटा का नाम गुड मॉर्निंग, जबकि मोदी जी के बेटे का नाम पापा की परी। तो भारतीय वायुसेना ने एयरफोर्स ग्रुप एक्स भर्ती के लिए हाल में ही मांगे गए आवेदन के बाद शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों की जो सार लिस्ट तैयार की उसमें यही नाम अटपटे हैं। और उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा रोजगार आयोग। खाली पदों की जो संख्या है, पदोन्नति की जो संख्या, आयोग में लंबित जो रिक्तियां हैं सब मिला करके प्रमुख विभागों की रिक्तियां जो हैं, हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने की योजना, हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने की योजना है। मुख्य सचिव के बराबर होगा रोजगार आयुक्त का पद। सितंबर तक 119,608 रिक्त पदों का आया है आंकड़ा। तो ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आदेश। 3,00,000 रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू होगी, योगी आदित्यनाथ जी का बयान। विभिन्न विभागों ने 1,50,000 रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज चुके हैं और निर्देश के 15 दिन बाद भी जिला आवंटन नहीं हो पाया है 31,661 पदों पर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 यानी उच्च शिक्षा विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा है उसके डेट के संबंधित यहाँ बताया गया कि 1,384 पदों के लिखित परीक्षा के लिए 5/11/2020 से 8/11/2020 तक नियत की जाती है। उक्त परीक्षा का समय सरणी जल्द ही पेश किया जाएगा, यानी जो परीक्षा का डेट तय कर दिया गया है 5/11 से 8/11 के बीच में। और राज्य में पहली बार 595 प्रोफेसरों की सीधी भर्ती भी होगी। तो एमपी टेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट घोषित हो गई है, 2 से 3 23 जनवरी 2021 में होगा, 2 से शुरू के 23 जनवरी तक होगा 2021 में पेपर। तो योगी सरकार ने करीब 3,00,000 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू करा दी है। विभिन्न विभागों में समूह का ख घ घ के 1,50,000 से ज़्यादा रिक्तियों का ब्यौरा तैयार करके शासन को भेज दिया गया है। शेष रिक्तियों की सूचना भी जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 81,000 और पुलिस में 16,626 पदों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। इसके अलावा सीधी भर्ती के करीब 1,20,000 पदों उन्नति 31,000 से ज़्यादा पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति करने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में आधारभूत प्रशिक्षण के बाद प्रावधीन पुलिस अधीक्षक और सहायक नियोजक अधिकारियों के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल रूप से संबोधित किया था। तो 22,840 पदों के प्रस्ताव ही लंबित 3,311 हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा नौकरीशुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी में है। रोजगार की गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग का गठन करने पर विचार कर रही है। इस आयोग के मुखिया रोजगार आयुक्त होंगे, उनका पद मुख्य सचिव के समतुल्य होगा। रोजगार एवं प्रशिक्षण, उद्यमिता विकास, कौशल सुधार, मनरेगा और अलग अलग विभागों द्वारा कौशल विकास के लिए जारी प्रशिक्षण और स्वरोजगार के कार्यक्रम इस आयोग के अधीन होंगे। रोजगार आयुक्त इन सभी विभागों के लिए समन्वय का काम करेगा। उन्हें यह अधिकार होगा कि वह रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से संबंधित निर्देश किसी सरकारी विभाग, निजी संस्था, उद्योग या कंपनी को दे सकेंगे। इसमें सरकारी सेवा या गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार शामिल है। निजी क्षेत्र में देश और विदेश में भी उपलब्ध रोजगार के मौके पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो इसके लिए सरकार उनको प्रशिक्षण देगी। प्रस्तावित आयोग प्रदेश में उपलब्ध होने वाले रोजगार के सभी अवसर पर नजर रखेगा। साथ ही यह भी तय करेगा कि नियुक्तियाँ पूरी पारदर्शिता हो, उद्योग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के बाद में नौकरी, स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं को बैकर्स में समन्वय स्थापित करना कराएगा और ऋण भी दिलाएगा। दूतावास से संपर्क भी करा सकेगा। अगर कोई विदेशों में जाना चाहेगा, विभिन्न देशों के दूतावास से भी संपर्क कराकर वहां रोजगार उपलब्ध कराएगा। तो विदेशों में भी संपर्क करा करके, ऋण उपलब्ध करा के, वीजा उपलब्ध करा कर रोजगार के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। जिस तरह से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार की गारंटी, उसी तरह से गारंटी शहरों कस्बों में रहने वाले परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने के लिए किया जा रहा है। सितंबर में कुल 119,608 पदों का आया है आंकड़ा। विकास कार्यों को रफ्तार देने का मुख्यमंत्री वादा कर चुके हैं, रोजगार देने में भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये हैं पूरे खाली पद प्रमुख विभागों के, जिसमें राजस्व में 20,554, परिवहन में 16,652, पंचायती राज में 10,517, लोक निर्माण में 5,534, कारागार एवं सुधार में 5,141, स्टाम्प पंजीयन में 3,180, समाज कल्याण में 2,503, खाद्य और रसद में 2,460, गृह में 2,362, आवास में 2,183 पद खाली हैं। और सीधी भर्ती में 119,608, पदोन्नति में 31,477, जबकि आयोग में जो लंबित पद हैं वो टोटल पद हैं 26,151। तो 50,000 से अधिक शिक्षकों के फॉर्म आने की उम्मीद है।
ताबदलों से रोक हटने के बाद शिक्षा विभाग में ताबदला के लिए आवेदन मांगे जा रहे इस दौरान जयपुर विभाग के पास करीब 28,000 ताबदलों के लिए आवेदन आ चुके हैं। और हिंदी में पढ़ने वालों को अंग्रेजी में थमा दिया था गणित का पर्चा। और आवंटन सूची की इंतजार में बैठे 15 दिन बाद भी नहीं मिला है आवंटन। सीएम ने 19 सितंबर को परिषद स्कूलों की नियुक्ति का दिया था आदेश, अब सत्ता नहीं कर पा रहे हैं आवंटन की दशा। तो यूपी में होगी नौकरी की गारंटी, बनेगा आयोग। और ज्वाइनिंग के बाद और रीट के ना सिलेबस में बदलाव होगा ना ही परीक्षा के पैटर्न में, फिर भी 10 लाख बेरोजगारों को कराया जा रहा है इंतजार। रीट के बाद शुरू होती है 31,000 पदों पर तिथि श्रेणी शिक्षक भर्ती। रीट की प्रक्रिया शुरू भी हो गई तो मिल जाएंगे शिक्षक के भारी पैटर्न और तय कर लेंगे कैसे हो तैयारी। रीट प्रक्रिया शुरू हो तो भी मिल जाएगा शिक्षक भर्ती पैटर्न, तय करने का समय। इतिहास की